200 किलोमीटर के नए प्रस्तावों को भी पास किया गया है। इसी का परिणाम है कि इस समय देश में 500 किलोमीटर से ज्यादा की मेट्रो लाइन चल रही है और करीब 650 किलोमीटर से ज्यादा की लाइनें पूरी होने को है। महाराष्ट्र में भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 200 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो लाइनों का निर्माण कर रही है। भाई और बहनों, आज देश में मेट्रो का जो भी विस्तार हो रहा है उसको सही मायने में गति अटल जी की सरकार ने दी थी। शहर और गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटल जी ने जो बल दिया उसको 10 वर्ष बाद हमारी सरकार ने स्पीड भी दी और स्केल भी बढ़ाई। मुझे कहते हुए जरा भी संकोच नहीं है कि अगर अटल जी की सरकार को थोड़ा समय और मिलता तो शायद आज मुंबई और इसके आसपास के इलाकों को, महाराष्ट्र के अनेक शहरों को मेट्रो से जोड़ा जा चुका होता। दिल्ली में अटल जी की सरकार के दौरान मेट्रो पर काम शुरू हुआ था। आज करीब करीब पूरी दिल्ली मेट्रो से जुड़ चुकी है। साथियों, पहले जो सरकार रही उसकी प्राथमिकता में ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए था। साथियों, उनको उनकी सोच मुबारक। हमारी सोच है देश का कोना कोना, कण कण जुड़े, देश का संतुलित विकास हो। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए इस मिशन पर निकले हुए लोग हैं। हाँ, इतना मैं जरूर याद दिला दूं कि 2004 से 2004 का कालखंड और 2018 में एक पीढ़ी का अंतर आ गया है, सोच का अंतर आ गया है, आकांक्षाओं का अंतर आ गया है। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार की प्राथमिकता ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने का है। यही कारण है कि देश भर